बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू। पैदा ही हॉट हुआ। सो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं अटल टनल और एक्सप्लोर करने वाले हैं सिसू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने अटल टनल नहीं देखी, तो इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो सुबह हम निकलने में बेशक लेट हो गए हैं, इट्स अराउंड लाइक 11, बट मुझे ये लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है एंड होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। एंड लुक एट दिस व्यू, ओ माई गॉड, सो ब्यूटिफुल, आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। बस आप देखते जाइए और हमारे साथ इस जर्नी में साथ बने रहिए। 1947 कैफे आता है, वहाँ जाएंगे रिटर्न। मैंने भी सुबह देखा। आपको पता ही नहीं आज तक? नहीं, मतलब मैंने वीडियोस में देखा। बहुत सुंदर 1947। मैं भी सोच जाने। ये दिल दीवाना है। जिसका डर था वही हुआ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है और अभी गूगल मैप पे भी दिखा रहा है कि कितने टाइम का है। ये यहाँ पे तो 10 मिनट दिखा रहा है, एक एडिशनल 10 मिनट। पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एक्चुअली हम लेट हो गए ना सुबह निकलने के लिए, अगर हम टाइमली निकल जाते तो हम मैं इसमें हाँ बेटर। लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने, तो लड़कियों को फिर जल्दी उठना चाहिए ना। मैं तुमसे पहले उठी थी। मुझसे लेट क्यों तैयार होना शुरू किया है? मुझसे लेट क्यों तैयार होना शुरू किया? वो फिर अब तुमने बोला कि रुक जा रुक जा रुक जा करते करते रुक गई मैं। फिर हम ब्रेकफास्ट करने गए, आधे घंटे से ये हर 10 मिनट में मुझे बोल रही है आई एम रेडी। मैं 10 मिनट बाद फिर पूछूं आई एम रेडी, 1 घंटा हो गया आई एम रेडी आई एम रेडी आई एम रेडी। सो अंकुर गया अभी पानी लेने, मैंने बोला पानी तुम ले लेते, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और अभी ट्रैफिक खुल गया है, थोड़ा सा था वो निकल गया है। वैसे जो अंकुर के ड्राइवर है ना, उन्होंने कहा था कि आप अगर अटल टनल जल्दी जाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हो। बट ठीक है, मुझे अभी ओके ओके लग रहा है। बट आज रश बहुत ज़्यादा है, लाइक लॉन्ग वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, मतलब मैं यकीन नहीं हो रहा कि मनाली मतलब भरा हुआ है, घचागच आप ये बोल सकते हो कि पूरा पैक था। जिस होटल में हम थे कह रहे थे कि काफी ज्यादा रश है, और कल कह रहे थे कि ज्वाला जी में भी 32,000 लोगों ने माथा टेका है, इतना ज्यादा रश है। तो आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग वीकेंड पे काफी लोग घूम रहे हैं। जाम मिल गया है भाई, और सच में, और ये बारी बात तो मेरे को लग भी नहीं था कि खुलेगा। बोलो आई एम रेडी। क्या बोलो ना? आई एम रेडी, आई एम रेडी, ऑल सेट। अब बस वेट हो रहा है कि ट्रैफिक खुले। कई लोग तो बेचारे वापस मुड़ गए यहीं से क्योंकि वो शायद जानते हैं ये तो कितने लोग वापस आ रहे हैं, सबको पता है कि आगे कोई जाम नहीं खुलने वाला। गेट टू टर्न होके वापस आए सारे, मुझे लग रहा है ये मुड़े हैं अंकुर। नहीं नहीं, सारे नहीं मुड़े, ऊपर से आए क्योंकि ट्रक फंसा हुआ था। जैसे ट्रक आया ये सारे लोग आए, ये अटल टनल क्रॉस करके आए। हमारा क्या होगा भैया, कितना जाम है भाई? कम से कम 4 घंटे लग रहे हैं ऊपर पहुंचने में। क्या हुआ है, क्या है ऐसा? ये जाम है ना बहुत ज्यादा, ऊपर है तंग रोड है ना, गाड़ी लगाते कहीं इधर कहीं इधर कहीं बीच में 4 घंटे। बोलो मैं तैयार हूँ। अटल टनल जाके आए आप? 4 घंटे लगेंगे अभी? लग जाएंगे। अरे बाप रे, चलो दुरीतो तो है, कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी भी। 4 घंटे जाना है सच में, फिर क्या करें? मैं दोबारा नहीं आऊंगा मनाली।
दोबारा क्यों नहीं आऊंगा? कैसे सोलो क्या करना दूसरी लोकेशन? सोलो यू आर नॉट सोलो, सोलो आई मीन हम दोनों यार, जब एक जगह जगह कर गई तो दोबारा क्यों करनी वही जगह? ये कंडीशन है अभी ट्रैफिक की, देखते हैं कब तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा। 10 किलोमीटर है, अगर हम रिंगते रिंगते भी जाए पहुंच जाएंगे। फाइनली ट्रैफिक थोड़ा खुला है और हम अब निकले हैं, हल्का हल्का जो मूव हो रही गाड़ी, एक्चुअली ना ऊपर से गाड़ियां नहीं आ रही थी क्योंकि बीच में किसी ने फंसाई होगी। ये जो लोग ओवरटेक करते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से जो है जाम लगता है। मतलब लाइन चल रही है, लाइन में चलो, तुम भी पहुंचोगे हम भी पहुंचेंगे। मतलब जल्दी किस बात की है, कौन सी तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही है? मैंने मोस्टली ये देखा है, अभी भी 2-3 थे ऐसे जो बीच में लाइन में घुस रहे थे, साइड से जा रहे, वो अपने आप को ज्यादा ओवर क्लेवर समझते हैं ना, वो गलत हो जाता है। आप लो ओवरटेक, बट जहां पॉसिबिलिटी है वहां लो। ऐसे नहीं है कि पता है कि एक लाइन चल रही है और उसमें आप ओवरटेक कर रहे हो इधर से। अब सिंगल वे है, वहीं से आना है वहीं से जाना है, तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स की गाड़ियों के लिए जगह चाहिए। जाने वाला भी फंसता है और आने वाला भी फंसता है। देखो कितना कितना अच्छा रोड है, कोई रीजन दिख रहा है यहाँ पे जाम लगने का? जाम लगने का कोई रीजन? निकलते ही ऐसा लगता है ना कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। मतलब अगर जन्नत कहीं है तो यही है। बहुत ही सुंदर जगह थी, ऐसे लग रहा था एक लाइव पेंटिंग देख रही हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे, ऐसे लग रहा था कि वाओ दिस इज़ इट, यही देखना था बस। मतलब यहाँ से आप ले 393 किलोमीटर्स है और ऐसे लग रहा था कि ले का ही रोड शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही रोड है जब हम जम्मू से गए थे, बट ये बहुत सुंदर है। एकदम फ्रेश वाटर, पानी का रंग ही देख के ऐसा लगता है कि इतना साफ, वाओ।
इसके आगे हमने डिसाइड किया कि हम केलोंग तक जाकर आते हैं, बट हम बहुत लेट हो चुके थे, 2 तो हमें यहीं बच गए थे, बट स्टिल हमने सोचा कि जाते हैं जहाँ तक जा सकेंगे, फिर वहाँ से वापस यू टर्न ले लेंगे। तो आप भी इंजॉय करो इस व्यू को हमारे साथ, एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहो। सो लेट्स इंजॉय दिस व्यू। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था जहाँ हम रुके, और हमने सोचा हम काफ़ी आगे आ गया, बट अभी तक हमने कहीं पिक्चर्स नहीं ली, कुछ नहीं ली, और गाड़ी में भी थोड़ा पानी भरना था, प्यास भी बहुत लग रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर था तो मैंने सोचा कि यहीं से भर लेते हैं। यहाँ पे कुछ घर भी थे आसपास जहाँ लोग रहते थे यहाँ पे, तो मैं ही सोच रही थी लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, मतलब दिसंबर में जनवरी में क्या हाल होता होगा यहाँ पे, जब अभी इतनी ठंड थी, गाड़ी में पता नहीं चलता है पर जब हम बाहर निकले इट्स लाइक इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब मज़ा आ गया। धूप भी थी बट हवा बहुत ठंडी थी, ऐसे गर्म हवा नहीं थी, और पानी भरा बहुत फ्रेश पानी था, मज़ा आ गया। और यहाँ का जो व्यू है ना, ओ माय गॉड, मैंने काफ़ी अच्छी रील्स भी बनाई यहाँ पे, फोटोज़ हमने काफ़ी ली, इतना कंटेंट हो गया ना समझ नहीं आ रहा कि पोस्ट कैसे करें, क्योंकि ऐसे लगा कि मनाली मनाली भर दिया, बट इंस्टाग्राम पे मेरा मन नहीं मानता है, ऐसे लगता है कि यार इतने अच्छे अच्छे फोटोज़ वीडियोज़ हैं तो कैसे पोस्ट ना करूँ। सो डेफिनेटली फॉलो मी देयर, यू विल सी सम अमेजिंग कंटेंट ओवर देयर। और इसके बाद हमने डिसाइड किया अब आगे निकलते इससे पहले कि हम लेट हो जाए, बट ये कि फाइनली हमने फर्स्ट स्टॉप ले लिया जहाँ हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, वरना हमने अभी कहीं नहीं ली थी। और मुझे ऐसा लगा था जब हम वापस आएंगे ना, रात अंधेरा ना हो जाए, एक बार सूरज चला गया तो फिर बिल्कुल फ़ायदा नहीं है किसी भी फोटोज़ और पिक्चर्स का। सो अभी गाड़ी में अंकुर पानी डाल रहा है, उसके बाद हम चलेंगे आगे, और जितना आगे हो सकेगा उतना जा सकेंगे, टाइमली वापस भी आना है। सो हम निकल गए। सो आप भी इंजॉय करो व्यू हमारे साथ साथ। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ हम रुके, क्योंकि इसके बाद मुझे लग रहा था इससे आगे और जाएंगे ना तो फिर हम जब वापस आएंगे तो अंधेरा हो चुका होगा, और जो आगे मतलब एकदम से जो टनल से निकल के जो बर्फ़ थी ना, वैसी बर्फ़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो पहली जो आप मेन पिक्चर्स है वहीं पे लें, और हमें लग रहा था कि टाइमली वापस चलते हैं ताकि हम हर एक चीज़ कैप्चर कर सके और वहाँ पे जाके चिल कर सके, क्योंकि सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी आपको वहीं मिलेंगे उस तरफ को। तो हम काफ़ी आगे आ चुके थे तो हम वापस आए, सबसे पहले तो रुक के मैंने चाय पी, क्योंकि ऐसे व्यू के साथ चाय और मैगी ना हो तो ये तो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो हमने मैगी ली, और यहाँ पे ये मतलब छोटा सा एक ढाबा था अंकल का, और यहाँ पे आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे, बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स थे, और मोबाइल टॉयलेट्स हैं तो बहुत साफ़ थे, ऐसे टॉयलेट्स आपको कहीं साफ़ मिलते नहीं हैं, बट यहाँ बहुत अच्छे थे। इसके बाद हमने यहाँ पे जब पेट पूजा की उसके बाद हम आगे निकले। पहाड़ों वाली मैगी इसलिए फेमस है, तो पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। चाय भी बहुत अच्छी थी। अंकल भी बहुत अच्छे। पता क्या, अब मुझे लग रहा है कि हम टाइम निकलना पड़ेगा, वरना हमारे वहाँ पे रह जाएगा। हमने सिसु भी जाना है, अभी पिक्चर्स लेनी है वहाँ पे।
मैगी विद अ व्यू। गाइस व्यू सामने बहुत बहुत सुंदर व्यू है। ये वाला है हैंग आउट एंड सिसु रेस्टोरेंट। इसका ओरिजिनल नाम है बेफिक्रे, मतलब इसका जो पेट नेम है वो है बेफिक्रे। बहुत अच्छा कैफे है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, रिवर साइड है बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ठंड इस टाइम इट्स लाइक कांपने वाली ठंड है, और अंकुर ने ना टी शर्ट ही पहन रखी थी अंदर, दैट्स वाई हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है, वरना हम सोच रहे थे कि अभी रुक के जाते हैं, बट अब जाना पड़ेगा बिकॉज उसने कुछ अंदर से वॉर्म नहीं पहना है। बट मैं तो अपने साथ जैकेट कैरी करके लाई थी तो इसलिए मैं बच गई। इन्होंने ना अंदर अंगीठी जला रखी थी तो उससे बहुत अच्छा था कि गर्म है अंदर बिल्कुल। सो ऑल सेट टू गो। यस, ठंड लग रही बहुत बहुत। लुक एट दिस पिक्चर। चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो।
हम अटल टनल से निकले दूसरी साइड बाहर मनाली की तरफ, और पहले ना हमें अटल टनल में पिक्चर्स नहीं ली थी, और दूसरी तरफ उन्होंने रुकने नहीं दिया क्योंकि 4 बजे के बाद कोई गाड़ी वो वहाँ रुकने नहीं देते। तो ये लोग ये चीज़ मतलब आप लोग भी ध्यान रखना कि 4 बजे के बाद आपको कोई भी गाड़ी नियर अटल टनल पार्क नहीं करने देता, इस गेट के आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी अगर पिक्चर्स लेनी है। तो हमने सोचा कि अब जाने से पहले ही पिक्चर तो ले लेते हैं वरना ये तो रह ही जाएगी। और यहाँ पे आपको बाहर की तरफ खाने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बट यहाँ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है तो ज़्यादा टाइम आपको खड़े नहीं रहने देंगे, तो फटाफट पिक्चर्स लेनी पड़ेगी आफ्टर 4 o'clock, मतलब शाम को 4 बजे के बाद। इतना ओपनली वो आपको नहीं करने देते हैं, थोड़ा गाड़ी भी आपको आगे जाके पार्क करनी पड़ती है। हमने भी काफ़ी आगे पार्क की, फिर हम वापस आए, हमने यहाँ पिक्चर्स ली, वीडियोज़ बनाई, बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना भुट्टा खाते हैं, बट ये ना कुछ अलग ही तरीके का भुट्टा था, मैंने इतना मोटा भुट्टा कभी नहीं खाया, और ये इतना स्वीट था ना। और भैया मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मैंने बोला ये इतना मीठा क्यों है, कहते ये स्वीट कौन है, मतलब हिलेरियस सीरियसली, बहुत ही टेस्टी था। कहते कहीं गुजरात साइड का है, यहाँ का लोकल नहीं है, दैट आई डोंट नो ट्रू और नॉट। बट इसके बाद हम वापस निकल गए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, और अब पहुँचते पहुँचते तो हमें अंधेरा हो ही गया था। इसके बाद हम रुके 1947 कैफ़े में क्योंकि हमने यहाँ पे रुकना ही था कुछ खाने के लिए। एम्बियंस बहुत अच्छा है, वेटिंग चली रहती है इन लोगों की, काफ़ी रश रहता है, बट इट्स बिट एक्सपेंसिव, सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, जस्ट एम्बियंस के पैसे और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, हुक्का भी मिल जाएगा, फ्रेश बियर भी मिल जाएगी, खाने को भी मिल जाएगा, तो एवरीथिंग एट वन प्लेस। एंड इसकी लोकेशन जो इसका बाहर का बैठने वाला रेस्टोरेंट है जो इनका नीचे वाली तरफ को है, वो बहुत अच्छा है, लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने पिज्ज़ा खाया, पास्ता खाया क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा कुछ खाए नहीं था हैवी, तो यहाँ पे हमने अपना डिनर किया। इसके बाद हम होटल के लिए निकल गए थे और फिर हमने रेस्ट किया। So I'll see you in the next vlog of day 3. Till then, bye bye. Take care. I love you all. Bye.